दिस इज शुभश्री पंडा एंड यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल द स्लॉथ बियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैनल के लोकगीत के बारे में जिसका टाइटल है आगे आगे हरेली तिहार। तो आइए हम लोग मिलते हैं इस लोकगीत आगे आगे हरेली तिहार के गायक से आर्यन तिवारी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हरेली तिहार 2020 के गाने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे खुशी है कि मैंने छत्तीसगढ़ी गीत आगे हरेली तिहार के साथ अपना पहला डेब्यू किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग को मेरा गीत बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट। तो आर्यन, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ी गीत को गाने के बारे में कब सोचा? एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैं रायपुर छत्तीसगढ़ गया था, वहाँ मेरी मुलाकात द स्लॉथ बियर प्रोडक्शन की टीम से हुई है। और कुछ दो तीन दिनों बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो द वर्ल्ड कैंसर डे के दिन एक म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो उसी इवेंट में मैंने गिटार बजाया था और दो तीन गाने भी गाए थे। तो हो सकता है वही परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ी गीत हरेली तिहार गाने का मौका। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये गीत आपके पास आया तो आपकी तैयारी क्या थी? हाँ, वैसे तो मैं गिटारिस्ट हूँ, पर हाँ मुझे मैंने छत्तीसगढ़ बचपन में ही छोड़ दिया था जब मैं 1 या 1.5 साल का था। तो वैसे तो मुझे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का उतना नॉलेज नहीं था, बट जब मेरे पास ये गाने का लिरिक्स आया, जब ऑडियो आया, तो हाँ मुझे लिरिक्स में डिफ़िकल्टीज हुई, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे वर्ड्स के मीनिंग बताए, क्योंकि एक गाने में वर्ड्स का अगर हम लोग को मीनिंग पता होगा तभी वो गाने में हम लोग को फीलिंग्स आ सकते हैं। तो और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये गाने का मतलब प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, अरेंजिंग सब मेरे बड़े भैया राहुल तिवारी कर रहे हैं, तो इस बात से मुझे बहुत मदद मिला। अच्छा आर्यन, वैसे तो मैंने ये गाना बहुत बार सुना है, पर क्या ये गीत के दो लाइन हो जाए? जी ऑफ कोर्स, जरूर सुनाएंगे। हो आगे आगे, हो आगे आगे, आगे आगे हरेली तिहार, हो आगे आगे हरेली तिहार, चले जीवन के रंजन पुहार, जस्ट अमेजिंग। सच कहूँ तो किसी सिंगर की रॉ वॉइस सुनने का मजा कुछ और ही होता है। वैसे आर्यन, मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि आपने अपने गिटार और संगीत की शिक्षा किनसे ली? वैसे तो मैंने गिटार सीखना 9th स्टैंडर्ड में चालू किया था और अभी भी सीख रहा हूँ, टोटल 3 साल हो गए। और मैंने वोकल्स का भी ट्रेनिंग गिटार सीखने के 1 साल बाद ही चालू किया था, वो भी 2 साल हो गया है। और जब मैंने और मेरे जो गिटार के सबसे पहले गुरु थे वो थे लेट फिल्मर जैकबसन, जो नहीं रहे, और वो भी छत्तीसगढ़ के ही थे। जब मैंने वोकल सीखना चालू किया था तब मैं मुंबई में ही था, जो सर थे वोकल्स के वो थे लखन सिन्हा सर, वो भी छत्तीसगढ़ से ही, अंबिकापुर से। जब भी मेरी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी इन समर वैकेशन, तो मैं 2-3 महीने के लिए रायपुर जाता था, तो वहाँ पर ही उस टाइम रोमे सर से गिटार भी सीखता था और साथ ही साथ एनडी चक्रवर्ती सर से वोकल्स भी सीखता था। और इस लॉकडाउन में मैं अभी भी एनडी चक्रवर्ती सर से वोकल सीखता हूँ। और जैसे कि गिटार की बात करें तो मेरे मुंबई में 3 सर हैं गिटार के। फर्स्ट तो लखन सिन्हा सर हो गए, सेकंड अभिजीत बोरा सर, ही इज़ अ रॉक एंड मेटल प्लेयर, एंड थर्ड द संजय देवेस्ता सर, या ही इज़ अ जैज एंड ब्लूज प्लेयर, एंड ही इज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम इंडिया। अच्छा आर्यन, एक लास्ट सवाल आपसे, आप इस लॉकडाउन में अपना समय कैसे निकालते हैं? मतलब कि गिटार, संगीत या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर के क्या कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर में आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं? नाइस क्वेश्चन। जैसे मेरी पढ़ाई की बारे में बात करें तो मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, साथ ही साथ मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ। और मेरे शेड्यूल की बात करें तो अभी मेरा 12th स्टैंडर्ड भी चालू हो गया है, देन और ये मेरा बोर्ड्स है इस साल,
सो मेरे मॉर्निंग में सुबह ट्यूशन क्लासेस रहते हैं इन अराउंड 10:30 से, एंड देन मेरे कॉलेज के लेक्चर्स रहते हैं, देन लंच वंच करता हूँ, देन मेरा प्रैक्टिस टाइम आ जाता है, देन 2 to 3 hours मेरा गिटार प्रैक्टिस रहता है, देन वोकल्स का भी प्रैक्टिस कभी कभी होता है, देन आफ्टर डैट शाम को फिर वही स्नैक्स टाइम सब हो जाता है। बट मेरा रात का एक शेड्यूल थोड़ा वीक है, मीन्स जो सोने का शेड्यूल है, स्लीपिंग टाइम है, वो मॉर्निंग हो जाता है, मतलब स्लीपिंग टाइम जो है मेरा मॉर्निंग का हो जाता है, मीन्स 3 to 4 AM। बट मेरा सोने से पहले एक चीज़ फिक्स है कि जब भी मैं सोने जाऊँगा ना, माइंड फ्रेश करने के लिए मैं एक दो गेम पबजी खेल के सोता हूँ। सो ये मेरा शेड्यूल है। म्यूज़िक की बात करें तो मेरे को ज़्यादा करके ब्लूज़ जैज़ का जो जॉनर है वो मेरे को बहुत पसंद है। अभी जो ये जो लॉकडाउन के कारण मेरे को एक मीन्स मेरे एक रूटीन फिक्स हो गया है कि मेरे को वीक में 2 वीडियो कवर्स के या इंस्ट्रूमेंटल्स के निकालने हैं। सो इससे क्या है, मेरा प्लेइंग भी ग्रोथ हो रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। वैसे तो मुझे म्यूजिक सीखने का इंस्पिरेशन मुझे मेरे बड़े भैया से मिला, और मुझे करियर भी अपना म्यूजिक में ही बनाना है। तो आपके म्यूजिकल करियर के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आर्यन, हमने ये भी सुना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम है, तो आपने ऐसा क्या किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है? यस, यू आर राइट, आई गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। या बेटा मेरे ना, लेट मी शो यू, आई गॉट द सर्टिफिकेट फॉर द लार्जेस्ट इंडियन सिनेमैटिक बैंड विद 1000 members। और ये 1000 members का सिलेक्शन एक ऑडिशन के थ्रू हुआ था, जिसमें गिटार्स का, ड्रम्स का और वोकल्स का ऑडिशन ले रहे थे। उसमें से 3 में से हमको कोई एक ही चूज करना था, सो आई सिलेक्टेड गिटार्स एंड आई लकीली गॉट सिलेक्टेड। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए होंगे, बट आई गॉट सिलेक्टेड, दिस इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो ये थी एक मुलाकात हमारे हरेली तिहार के सिंगर आर्यन तिवारी के साथ। अगली बार हम अपनी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ।